अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ महजिन और आज है जी मेरे पास है लव नेचर की रेंज से एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट एक टाइनी पैकेजिंग के साथ। इसकी क्वांटिटी है जी 15 ml क्वांटिटी है इसकी, लेकिन ये बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होता है, इसलिए ये आराम से बहुत ज़्यादा अरसा जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या। ये है जी हमारी बेसिक रेंज से जो कि है लव नेचर, उसके है जी हमारे पास ये स्मूदिंग लिप मास्क एंड स्क्रब। ठीक हो गया जी, यानी कि ये 2-in-1 फीचर के साथ इस ट्यूब में, इस छोटे से ट्यूब में मौजूद है। आप इसको एज अ स्क्रब यूज़ कर सकते हैं या आप इसको एज अ मास्क, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है जी यूज़ करने का। इसका फ़ायदा ये है कि स्पेशली विंटर में ये प्रोडक्ट एक फैमिली प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि सभी के जो होंठ जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, डेड स्किन उस पर अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आपको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे लिप एक्सफोलिएटर की, जो कि लव नेचर के लिप मास्क और स्क्रब से, मतलब इससे बेहतरीन प्रोडक्ट और कोई हो ही नहीं सकता। ये आपके लिप्स को क्या करता है जी, उसको हाइड्रेट करता है, ड्राई लिप्स को हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। इसको आपने कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें जो है वो ऑर्गेनिक इन्ग्रीडियंट्स मौजूद हैं। जो इन्ग्रीडियंट्स में मौजूद हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो स्किन है होंठों की उसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक हो गया, इजी एप्लीकेशन है, बहुत आसान है इसको यूज़ करना, बहुत ही इजीली ये यूज़ होता है और बहुत एक तो जो टेस्ट है वो थोड़ा सा स्वीट एंड फ्रूटी सा है, यानी खट्टा मीठा कड़वा मिक्स टाइप इसका थोड़ा सा टेस्ट है। अब आपने इसको खाना तो नहीं है, इसको आपने सिर्फ अपने होठों पे अप्लाई करना है। सो डजेंट मैटर कि इसका टेस्ट अगर थोड़ा बहुत इसमें कड़वाहट भी हो। तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि अभी ये हमारे पास 10% डिस्काउंट के साथ मौजूद है। इसको यूज़ आपने ऐसे करना है, अगर आप इसको एज अ मास्क यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने अपने हाथों को सबसे पहले वॉश करना है, आपके हाथ साफ होने चाहिए। आपने अपनी फिंगर टिप पर थोड़ी सी अमाउंट इसकी लेनी है, देन आपने इसको एज अ मास्क अपने लिप पर एक इवन लेयर में अप्लाई कर देना है। उसके बाद 15 मिनट्स का आपने वेट करना है। आफ्टर 15 मिनट्स आपने इसको एक वेट वाइप से जेंटली वाइप ऑफ कर देना है मास्क को। ये हो गया जी एज अ मास्क यूज़ करने का तरीका। अगर आप इसको एज अ स्क्रब यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जी आपकी जो डेड स्किन है होंठों पे वो रिमूव हो जाए, तो उसको भी आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपने अपने हाथों को वॉश करना है, फिर आपने फिंगर टिप पर इसकी क्वांटिटी को लेके थोड़ी सी आपने अपने पूरे लिप्स को जो है वो स्क्रब की तरह, मतलब मसाज करना है उस पर, लिप्स पर, लिप एरिया पर। देन आपने सर्कुलर मोशन में इसको स्क्रब ऑफ करके अपनी डेड स्किन को रिमूव करना है और देन इसको वाइप ऑफ कर लेना है। ठीक हो गया, देन आपने एक और काम करना है। अगर आप इसको एज अ स्क्रब यूज़ कर रहे हैं जेंटली मसाज करके, मास्क में आपको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने लेयर अप्लाई कर देनी है और 15 मिनट के बाद आपने साफ़ कर देना है, ये काम डन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक्सफोलिएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको बस फिंगर टिप पे अप्लाई करके अपने होंठों पे अप्लाई करना है और सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करते रहना है और अपनी जो भी डेड स्किन है होंठों की उसको रिमूव करने के बाद आपने इसको वाइप करना है। देन आपने अपने होंठों को जो है वो ड्राई होने देना है। उसके बाद आपने एक अच्छा सा लिप बाम अपने होंठों पे मस्त लगाना है, क्योंकि जब भी हम स्क्रबिंग करते हैं, ये मैं आपको एक टिप दे देती हूँ आज, कि चाहे वो बॉडी स्क्रबिंग हो, बॉडी के लिए स्क्रब यूज़ कर रहे हों, हाथों के लिए यूज़ कर रहे हों, फेस के लिए यूज़ कर रहे हों या फिर होंठों के लिए यूज़ कर रहे हों, तो ये मस्ट होता है। उसके बाद हम अपनी स्किन को एक अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड करें, ताकि जो स्क्रबिंग के बाद हमारे पोर्स जो हैं वो ओपन हुए हैं वो लॉक्ड हो जाएं।
अगर हम बॉडी स्क्रबिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बॉडी लोशन अप्लाई करना है आफ्टर स्क्रबिंग। अगर हम फेस स्क्रबिंग कर रहे हैं तो उसके बाद हमने मास्क अप्लाई करना है, या फिर हमने कोई सन ब्लॉक या डे क्रीम विद SPF हमने अप्लाई करनी है। अगर हम हाथों की स्क्रबिंग कर रहे हैं तो उसके बाद हमने हैंड क्रीम मस्ट अप्लाई करनी है। पैरों की स्क्रबिंग कर रहे हैं तो फुट क्रीम मस्ट अप्लाई करनी है। इसी तरह अगर हम अपने होठों की स्क्रबिंग कर रहे हैं तो उसके बाद हमने एक अच्छा लिप बाम ज़रूर लगाना है। सो ये था जी हमारा टाइनी सा प्रोडक्ट, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। अब ये सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाला है। सो मैंने सोचा कि मैं आपको गाइड कर दूँ इसके बारे में कि ये ऑफ़र आ चुका हुआ है, तो जिसे भी ये चाहिए वो इसको ज़रूर ऑर्डर करे। कॉन्टैक्ट के लिए लिंक प्रोवाइडेड है इंस्टा का, आप मुझे इंस्टा पे इस प्रोडक्ट का ऑर्डर फाइनल कर सकते हैं।